एप्पल ने अपना एक लेटेस्ट और बेस्ट आईफोन अभी अभी रिसेंटली लॉन्च करा और उसको हमने पूरी तरीके से देखा और उसकी सेल अभी इतनी ज्यादा हो रही है वर्ल्ड वाइड कि एप्पल ने अपने सप्लायर्स को बोल दिया है कि इसके प्रोडक्शन को कट डाउन कर दो क्योंकि भाई सच में सेल हो ही नहीं रही है। मजाक था। और ये चीज मुझे बहुत अच्छी लग रही है कि एप्पल ने कोई भी एक पागल वाली हरकत की और उसके पीछे जनता भी पागल हो गई, ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन हमारा मुद्दा डेफिनेटली वो नहीं है। आईफोन 14 सीरीज आने वाली है सितंबर मंथ में, जो हर साल आती है। यहाँ पे 5 महीने उसके बाकी हैं और बहुत सारे लीक्स एंड रूमर्स हमारे पास हैं। इस बार जो भी लीक्स एंड रूमर्स हैं वो बिल्कुल एकदम सच होने वाले से लगते हैं। डेफिनेटली इसके बारे में बात करेंगे कि आईफोन 14 सीरीज आपको कैसी देखने को मिल सकती है और उसके साथ क्या स्पेशल होगा। एक स्पेशल डिस्क्लेमर ऐड करता हूं कि आईफोन के इस बार नॉन प्रो मॉडल जो होंगे ना आईफोन 14 एंड 14 मैक्स, इस बार एप्पल का उन पे ज्यादा अटेंशन बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है। ज्यादा क्या मुझे लगता है बिल्कुल भी नहीं रहेगा। रिजल्टेंट जो नॉन प्रो आईफोन्स और प्रो आईफोन्स होंगे उनके बीच में डिफरेंस इतना बड़ा क्रिएट हो जाएगा ना, आप अपने आप को मजबूर करोगे कि अब तो प्रो आईफोन्स ही ले लेते हैं वरना वो आईफोन जो हैं वो बिल्कुल वैसे हैं जैसे आईफोन 13 और 13 मिनी थे। तो इस वीडियो में फाइनल लीक्स, रेंडर्स, सिक्सा ट्रेलर सब कुछ समावेश कर दिया है मैंने। आई होप आपको ये डेफिनेटली पसंद आने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आपको वेरी सिंपल वे में समझाता हूं, 4 आईफोन्स आने वाले हैं, 14, 14 Max और इसी के साथ 14 Pro और Pro Max, no mini, only big। शायद अपने आंसू छुपा रहा था। मतलब इस बार मिनी को कट कर दिया है क्योंकि मिनी की सेल्स इतनी ज्यादा नहीं होती थी, तो मिनी इस बार गायब हो गया है। तो 14 आएंगे और 14 का एक मैक्स वेरिएंट, एक 14 प्रो और प्रो का मैक्स वेरिएंट, ये 4 आईफोन्स टोटल हमको देखने को मिलने वाले हैं और 2 स्क्रीन साइजेस में होंगे। जहां पे नॉर्मल आईफोन 14 जो होगा वो 6.1 इंचेस का होगा, 14 प्रो भी 6.1 इंचेस का होगा और जो दोनों बचे हुए मैक्स जो है ना वो 6.7 इंचेस के देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला अपग्रेड जिसके लिए बहुत सारे लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 2018 से वेट किया जा रहा है लेकिन वो चीज आज तक नहीं गई है। ऑब्वियसली मैं बात कर रहा हूं यहां पे नोच की। लेकिन ये सुन के आपको डेफिनेटली झटका लग सकता है कि जो नॉन प्रो आईफोन्स होंगे उनमें सेम नोच देखने को मिलेगी इस बार भी आपको। मतलब आईफोन और 14 और 14 मैक्स जो है ना दोनों में आपको सेम नोच देखने को मिलने वाली है। लेकिन जो आईफोन 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स होंगे ना दोनों में ही नोच गायब हो जाएगी। जहां पे आप रेंडर्स देख सकते हो ड्यूअल पंच होल आपको आई की शेप में देखने को मिलने वाला है, जहां पे कैमरा सेंसर और बाकी के सेंसर और इसी के साथ फेस आईडी सेंसर लगे हुए होंगे। और डेफिनेटली ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा, मिंचिको, जॉन प्रोसर जो जितने बड़े-बड़े लीक्सटर हैं ना वो सारे बोल रहे हैं। अब आप भी बोलोगे कि ये कौन लोग हैं, ये वो लोग हैं जो सेब के मुंह से निवाला निकाल के लेके आते हैं। क्योंकि भाई एप्पल ने अपनी स्पेशल पुलिस रखी हुई है इस चीज के लिए कि उनका डेटा बाहर ना जाए और यहां पे ये लोग वो हैं जो लीक्स देते हैं हमको एप्पल के इवेंट से पहले। तो डेफिनेटली अगर चीजें एक्यूरेट होती हैं तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट काम है ये चीज निकाल के लेके आना। और इनके लीक्स का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो 99% रहता है, तो डेफिनेटली हम इन पे रिलाई कर सकते हैं। और उसके बाद डिजाइन में जो सबसे बड़ा चेंज आने वाला था वो ये था कि आईफोन 4 की तरह हमको इस बार के आईफोन्स देखने को मिलेंगे। ऐसे पहले लीक्स निकल के आ रहे थे कि मतलब जो कैमरा बम्प है वो वहां पे जो आईफोन 4S लगा हुआ है उसकी तरह, जैसे पीछे की तरफ जो ग्लास है उसी के अंदर जो कैमरा बम्प है वो समा जाएगा और अलग से कैमरा बम्प नहीं होगा। लेकिन अभी जो लीक्स निकल के आ रहे हैं और ये फाइनल लीक्स हैं जिसमें सामने दिख रहा है कि कैमरा बम्प देखने को मिलेगा। इवन जो 14 और 14 मैक्स होंगे ना उनमें तो सेम एज इट इज कॉपी होने वाली है, ड्यूअल रियर कैमरा, वही अलाइनमेंट, सब कुछ बिल्कुल सेम देखने को मिलेगा, नो चेंज एट ऑल। लेकिन जो प्रो मैक्स होंगे ना वहां पे आपको बिगर सेंसर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि इस बार सेंसर साइज बढ़ने वाली है और आईफोन्स की फोटोग्राफी और एक लेवल आगे जाने वाली है। तो सीधा-सीधा अगर हम कहें डिजाइन में जो चेंजेस हैं वो पिछली बार भी कुछ नहीं थे और इस बार भी कुछ नहीं होंगे। ये भगवान क्या जुल्म है। और एक चीज और जो आपको नॉन प्रो आईफोन्स के साथ नहीं देखने को मिलेगी और वो है टाइटेनियम फ्रेम्स। इस बार प्रो एंड प्रो मैक्स के साथ आपको टाइटेनियम फ्रेम्स देखने को मिलेंगे जिसपे बिल्कुल भी स्मजस नहीं आते हैं। लेकिन जो दूसरे 14 और 14 मैक्स होंगे वहां पे आपको नॉर्मल एल्यूमिनियम फ्रेम्स देखने को मिलेंगे जो अभी नॉर्मल आईफोन 11, 12, 13 सब में देखने को मिलती हैं। और अभी तक आईफोन 14 एंड 14 मैक्स जो खरीदने का प्लान कर रहे थे उनमें थोड़ी बहुत जान बाकी है, तो आपको बता दूं कि इस बार अगेन जो नॉन प्रो मॉडल्स होंगे 14 एंड 14 मैक्स उनमें आपको नॉर्मल 60 हर्ट्ज की हायर रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगी, उसमें अगेन 120 हर्ट्ज वाला प्रोमोशन डिस्प्ले नहीं होगा। क्या आप समझे? मुझे लगता है नहीं समझे। तू समझा?
नहीं तू समझा नहीं। मैं आपको सीधी बात बताता हूँ कि जो आईफोन 14 होगा ना वो आईफोन 13 ही है बेसिकली। उसको थोड़ा सा खींचोगे तो मतलब बड़ी डिस्प्ले खींचने से बनेगा नहीं, मतलब फैक्ट्री की बात कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा खींचने के बाद थोड़ी सी ज्यादा बड़ी डिस्प्ले, बड़ी बैटरी आपको देखने को मिल जाएगी, तो वो बन जाएगा आईफोन 14 मैक्स। इतना ही डिफरेंस होगा और कोई डिफरेंस नहीं होगा बस। और एक और स्पेशल चीज, इस बार पहली बार आईफोन की हिस्ट्री में हमको वेपर कूलिंग चैम्बर देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू लीक्स। यहाँ पे सीन ये है कि जो प्रो मॉडल्स होंगे, अगेन प्रो मॉडल्स में ही होने वाला है, जो प्रो मैक्स होने वाले हैं वहां पे वेपर कूलिंग चैम्बर देखने को मिलेगा। ऑल्दो आईफोन का जो ओएस है इसी के साथ इनके जो प्रोसेसर है वो इतने ज्यादा कैपेबल होते हैं कि हीट जनरेट करता ही नहीं है आईफोन। मतलब मैं खुद एप्पल आईफोन को यूज करता हूँ 2012 से, तो मुझे ये चीज खुद को पता है। लेकिन जब हैवी टास्क करते हैं जहां इसमें कोई एडिटिंग वगैरह हो रही होती है और समटाइम्स कुछ हीट आपको देखने को मिलती है, वार्मनेस जिसको बोल सकते हैं, लेकिन इस बार प्रो मॉडल्स में वो चीज भी बिल्कुल गायब हो जाएगी। वेपर कूलिंग चैम्बर जो होगा वो इसको बिल्कुल कूल रखने में मदद करेगा। और इस बार आपको और इंप्रूव्ड फेस आईडी देखने को मिलने वाली है। 25 वोल्ट का मैगसेफ चार्जर सपोर्ट आपको इसमें देखने को मिलेगा। और इसी के साथ एक न्यू जनरेशन लाइडार स्कैनर जो और ज्यादा पावरफुल होगा, जिसके चलते डेप्थ जो होगी ना सब्जेक्ट्स की वो और गहराइयों से नाप ली जाएगी। और उसके बाद जो अगला सबसे बड़ा अपग्रेड है वो है A16 बायोनिक चिप। ये जो चिप है वो 6-कोर जीपीयू को अपने साथ लेके आएगी, 4nm की फैब्रिकेशन प्रोसेस को लेके आएगी। ये प्रोसेस बिल्कुल सेम है, यहाँ पे कोई इजाफा नहीं हुआ है, इजाफा नहीं मतलब कमी की बात कर रहा हूँ मैं। और इसी के साथ जो प्रो मॉडल्स हैं वहां पे 6GB की रैम देखने को मिलेगी, अगेन प्रो मॉडल्स में मिलेगी। और इस बार एप्पल का खुद का बनाया हुआ 5G मॉडेम इनमें देखने को मिलेगा, मतलब बेटर कनेक्टिविटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मतलब इस बार नो मोर क्वालकॉम, क्वालकॉम को टाटा बाय बाय कह दिया है। मतलब पिछली बार जैसे मैकबुक डिपार्टमेंट में इंटेल को बाय बाय बोला था ना, वैसे इस बार क्वालकॉम को बाय बाय बोल दिया है। और उसके बाद बारी आ जाती है एप्पल की फेवरेट चीज की और वो है कैमरा। डेफिनेटली यहाँ पे जो सबसे बड़ा अपग्रेड हर बार आईफोन में देखने को मिलता है और इस बार भी मिलेगा वो है कैमराज में। यहाँ पे पहली बार आईफोन की हिस्ट्री में 48 मेगापिक्सल के कैमराज आपको देखने को मिलेंगे और वो अगेन प्रो मॉडल्स में ही होंगे। और ये 8K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करेंगे। पहली बार अगेन आईफोन की हिस्ट्री में 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, तो ये बहुत ही कमाल की चीज है। ऑलरेडी एप्पल की जो वीडियोग्राफी है वो बहुत ही कमाल की है और इसके चलते एक कदम और आगे चला जाएगा। और जैसे रेंडर्स से दिख रहा है और बड़े सेंसर साइज देखने को मिलने वाले हैं, जिसके चलते वीडियोग्राफी फोटोग्राफी जो होगी ना वहां पे और ज्यादा लाइट कैप्चर होगी और रिजल्टेंट बहुत ही ज्यादा कमाल कर देगा एप्पल आईफोन इस बार। आज अभी अभी रहा नहीं जाता। तो ये सारे कुछ मिला के इस बार मेन अपडेट्स हैं जो आईफोन 14 सीरीज के साथ आपको देखने को मिलने वाले हैं। मेनली जो अपग्रेड है वो प्रो सीरीज के साथ ही होंगे, नॉन प्रो के साथ कुछ नहीं होने वाला है ऑलमोस्ट मैं कहूँ तो। मतलब सबसे बड़ा डिफरेंस इन्होंने क्रिएट कर देना है इस बार, जिसके चलते ज्यादातर लोग इनके प्रो मॉडल्स को खरीदेंगे और डायरेक्टली एप्पल को ज्यादा मुनाफा उस चीज से मिल पाएगा। तो इनका जो लॉन्च है वो आपको मिड सेप्टेम्बर में देखने को मिलेगा। प्राइस की अभी बात नहीं कर सकते क्योंकि ऑलमोस्ट उतनी ही रहती है, 5-7 हजार रुपए आगे पीछे रह के, पीछे का कोई सीन नहीं है आगे ही रहती है। दसो यार यही है कहानी इसी अपकमिंग आईफोन 14 सीरीज की। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वाले वीडियो तक के लिए।